हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे हरी चटनी के साथ। तो इसको आप लोग देखिए और बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कुकिंग मेड इजी विद गुंजन को और मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने दो फ्रेश मूली ली है जिनको मैंने धो करके अच्छे से छीलने के बाद मैंने घिस लिया है कद्दूकस से और मैंने डेढ़ कटोरी आटा लिया है। मैंने हरा धनिया लिया है बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा, पिसी लाल मिर्च और घिसी हुई अदरक आधा चम्मच और गरम मसाला एक चम्मच और टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है। साथ में मैंने चुटकी भर हींग ली है और मैंने दो प्याज को महीन काट लिया है। मैंने दो पतली गाजर को भी अच्छे से धोने के बाद छील करके पीलर से मैंने उसको घिस लिया है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए मूली जो घिसी हुई ली थी उसमें मैं ये गाजर को मिला देती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिसमें इनको अच्छे से इनका पानी छूट जाए। जब भी आप गाजर या मूली में नमक डाल के थोड़ी देर रखेंगे तो इनका पानी निकल आएगा। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को एक साइड में करके किसी बर्तन से किसी चीज़ से टिका करके ऐसे रख दिया है। तो देखिए थोड़ी सी थाली टेढ़ी कर दी है तो सारा पानी इनका बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो खाली मूली के भी पराठे बना सकती हैं, गाजर ना ऐड करें, या आप चाहें तो इसमें गोभी भी क्रश करके आप कद्दूकस से वो भी डाल सकती हैं। आजकल जाड़ों में तो तरह तरह के पराठे खाने को मिलते हैं, सोया मेथी के पराठे, गाजर मूली के पराठे, किसी भी तरीके के पराठे आप शौक से खा सकती हैं। ये देखिए इसका पानी को मैंने पूरी तरीके से अलग कर दिया। इसको आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकती हैं या और आटा मारने में आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैं आटे को मार लेती हूँ। सारा चीज़ें इसमें मैं डाल देती हूँ जो भी मैंने अभी ली थी। जाड़े में तो तरह तरह के पराठे खाने का अपना अलग ही मज़ा है और जाड़े में सब्जियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं आटा मिक्स करके अच्छे से मार लेती हूँ। आटे को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है नहीं तो पराठे नहीं बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आटा गीला है तो थोड़ा सा आप आटा और ऐड कर सकती हैं उसमें। और जब भी आप आटा मारें तो आप तुरंत उसका पराठा बनाएं, इसको थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट पे ना छोड़ें क्योंकि ये आटा तुरंत गीला हो जाता है। देखिए मेरा ये आटा मल करके तैयार हो गया। मैं तुरंत इसके पराठे बना लेती हूँ और गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है क्योंकि आप आटे को अगर मार करके छोड़ देंगी तो ये तुरंत ये ढीला हो जाएगा और पराठे बनाने में दिक्कत आएगी। पराठे बनाने के लिए मैं थोड़ा सूखा आटा ले लेती हूँ और थोड़ा सा आटा मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। और जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं आप उस हिसाब से लोई लें और जितने मोटे पतले बनाने हो उस तरीके से आप इसको काट लें। यहाँ पे मैं पतले पराठे बना रही हूँ इसलिए मैंने बहुत बड़ी लोई नहीं ली है। ये देखिए कितनी आसानी से पराठा बन जाता है। और गैस पे मैंने पैन पहले से चढ़ा दिया था, वो गर्म हो गया, उस पर मैंने पराठा डाल दिया है। और गैस की फ्लेम आप अपने हिसाब से रखें, बहुत ज़्यादा तेज ना करें नहीं तो पराठा जलने लगेगा। अब देखिए पराठे को मैंने पलट दिया और गैस की फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दी है और मैं दोनों तरफ से घी लगा करके अच्छे से पराठा सेक लेती हूँ। आप चाहे तो किसी भी रिफाइंड ऑयल से या देसी घी से किसी तरीके से भी ये पराठा सेकें। आप मेरे इस रेसिपी को पूरा देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी पराठे की रेसिपी कैसी लगी। ये पराठा बनाने में जितना सिंपल लगता है, देखने में जितना सिंपल है पर उतना ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको आप जाड़े में मिर्चों के अचार के साथ भी खा सकती हैं और कोई भी चटनी हो आप उसके साथ इसको खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इसी तरीके से मैं और पराठे बना लेती हूँ। इस पराठे को मैं हरी चटनी के साथ सर्व करूँगी तो मैं अभी आपको टमाटर की हरी चटनी की रेसिपी भी बताने वाली हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है लाल टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ा हरा धनिया, पत्तों के साथ साथ मैंने थोड़ी हरी डंडी भी ली है और थोड़ा सा जीरा लिया है, हींग ली है थोड़ी और टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है। इतनी चीज़ों को आप पीस करके चटनी बनाएं बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बन करके तैयार हो गई है और इसको पराठे के साथ सर्व करिए। पराठों को गर्मा गर्म सर्व करिए।
तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या इन पराठों को देख करके आपके मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो आ रहा है, मैं इसको जल्दी से खाने वाली हूँ। और अगर आपको खाना है तो आप मेरी इस रेसिपी को देखिए और बनाइए इस तरीके के पराठों को, हरी चटनी के साथ, अचार के साथ, जैसे आपका टेस्ट हो आप उस तरह से खाइए। और मुझसे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी पहुँचे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।